Hello student, so today we will discuss about process cooling and humidification. So for that let us draw one diagram. So suppose here we have one duct, this is one of the duct, now in which air is entering. And here we are doing spray of water. यहाँ पे हम water का spray कर रहे हैं, बराबर ना? तो suppose यहाँ पे temperature क्या है, TD1 और यहाँ पे वेट बल्ब temperature जो होगा 1 मिनट, ये जो है क्या है, ड्राई बल्ब temperature, क्लियर? और यहाँ पे भी वेट बल्ब temperature होगा कुछ, वेट बल्ब temperature भी होगा उसका कुछ. तो ये वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जो एयर एंटर हो रही है उसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उतना होना चाहिए वाटर का टेम्परेचर. तो क्या होगा, यहाँ पे जो एयर मिलेगी वो कूल भी होगी, ये TD2 कम भी हो जाएगा और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी. ह्यूमिडिटी मीन्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी यहाँ पे, बराबर. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय यूज ऑफ साइकोमेट्री चार्ट. तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये जो एयर है, एयर जो एंटर हो रही है वो ये पॉइंट पे हो रही है, बराबर ना? तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो हम मेजर कर लेते हैं क्या है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्राई बल्ब क्या है, ड्राई बल्ब इज बेसिकली 35 और वेट बल्ब क्या है, वेट बल्ब भी मेजर कर लेते हैं हम, वेट बल्ब जो है वो यहाँ पे होगा कुछ 20, 21, 22 है वेट बल्ब टेम्परेचर. तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कितना था, 22 था, ये हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर. तो हमारा वाटर का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, वाटर का टेम्परेचर भी जो एयर एंटर हो रही है उसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उतना होना चाहिए, तो ही ये प्रोसेस होगी. कौन सी प्रोसेस, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. यहाँ पे देखो आप एयर को कूल भी कर रहे हो और साथ में उसकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ा रहे हो, बराबर ना? तो यहाँ पे जो है वो एयर मिलेगी हमें एट पॉइंट टू, वी विल गेट एयर, क्लियर. सो लेट अस ड्रॉ दैट डायग्राम ऑन साइकोमेट्री चार्ट. सो नाउ हियर यू कैन सी दिस इज आवर पॉइंट नंबर वन. ये हमारा पॉइंट वन है, ये पॉइंट वन है और वाटर का स्प्रे जो हो रहा है वो पॉइंट थ्री, हम ये कह सकते हैं दिस इज पॉइंट थ्री. सो दिस इज अवर लाइन. सो अवर पॉइंट टू मे बी इन बिटवीन दिस टू पॉइंट, बट कंडीशन इज दैट अवर पॉइंट टू विल बी ऑलवेज ऑन दिस लाइन. ये लाइन पर ही होगा हमारा पॉइंट टू जो है, बराबर ना? सपोज हम एज्यूम करते हैं हमारा पॉइंट टू यहाँ पे है, पॉइंट टू हमें यहाँ मिल रहा है. तो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर कितना मिल रहा है, बराबर ना? सो लेट अस चेक दैट हाउ मच टेम्परेचर वी आर गेटिंग हियर. सो बेसिकली यू आर गेटिंग 26 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे आप देखो आपने एयर एंटर की कितने टेम्परेचर पे, 35, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिल रहा है 26, क्लियर. और यहाँ पे टेम्परेचर था हमारा 22. तो अब हम फाइंड आउट करेंगे ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी. तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ह्यूमिडिफाइड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, हम आप देख सकते हो आप TD1 minus TD2 divided by TD1 minus TD3, क्लियर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी. सो लेट अस फाइंड आउट ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी.
कैसे मिलेगा हमें ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी, टी डी वन माइनस टी डी टू, और यहाँ पे हो जाएगा टी डी वन माइनस टी डी थ्री। क्लियर? तो टी डी वन क्या है, यहाँ पे हमारा 35 है, टी डी वन हमारा 35 है, टी डी टू क्या है 26, तो यहाँ पे 26 हो गए, और यहाँ पे टी डी वन क्या है, टी डी वन तो हमारा 35 है, और टी डी थ्री जो है, बेसिकली इसको टी डी थ्री कहेंगे हम, टी डी थ्री क्या है 22। क्लियर? तो इस तरह से हम ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला है डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन डिवाइड बाई डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू वन, तो वो भी फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, तो देखो आप ग्राफ में आपको देखना पड़ेगा डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू टू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 15 है, बराबर। डब्ल्यू वन क्या है, डब्ल्यू वन हमारा 11 है, तो यहाँ पे लिखो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू 11। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डब्ल्यू वन इज इक्वल टू 11। क्लियर? डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 15, आई थिंक इट वॉज 15 ग्राम। और लेट व्हाट इज डब्ल्यू थ्री, लेट अस चेक दैट। डब्ल्यू थ्री जो है वो यहाँ पे है कुछ हमारा, डब्ल्यू थ्री जो है 15, 16 और 17, ये जो है 17 है। तो हमें सारे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिल गई, तो यहाँ पे डब्ल्यू थ्री भी मिल गया हमें, क्या है 17। सो बाय यूज ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी। तो कैसे मिलेगा हमें ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी, 15 माइनस 11 डिवाइड बाई 17 माइनस 11। क्लियर? सो बेसिकली दिस इज 4 एंड दिस इज अवर 6, सो 4 बाई 6। क्लियर? एंड सेम वे हियर दिस विल बी 5 एंड 9 एंड दिस विल बी 8, 8 प्लस 5 इट विल बी अराउंड 8 प्लस 5, 13। क्लियर? सो बोथ रेशियो शुड बी सेम, दिस बोथ रेशियो शुड बी सेम। सो दिस वॉज द बेसिक ऑफ प्रोसेस कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। नाउ जनरली दिस टाइप ऑफ प्रोसेस वी आर गेटिंग इन अवर एयर कूलर, बराबर ने? एर कूलर में शू थाय छे आपने खबर छे, एर कूल थाय छे, एर कूल थाय छे, पण साथे साथे एर ह्यूमिडिफाय पण थाय छे। ह्यूमिडिफाय एटले भेजवाड़ी हवा पण थई जशे, એટલા માટે તમે એક રૂમ બંધ કરેલો હોય અને એમાં એર કૂલર મૂકો તો થોડા ટાઈમ પછી કમ્ફર્ટેબલ ફીલ નહીં થાય, કારણ કે હવા ઠંડી તો થાય છે પણ સાથે સાથે હ્યુમિડિટીવાળી પણ થાય છે હવા। ક્લિયર? સો ધીઝ વોઝ અબાઉટ ધ બેઝિક ઓફ પ્રોસેસ કુલિંગ એન્ડ હ્યુમિડિફિકેશન। સો થેન્ક યુ ઓલ।